राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अशोक गहलोत द्वारा गद्दार कहे जाने वाले बयान को भूलने वाले नहीं है। भले ही राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को पास लाने की कोशिश की है, लेकिन सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे को आसानी से भूलने वाले नहीं है। एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा कि वह इस टिप्पणी से दुखी हुए और आहत भी हुए थे। गौरतलब है पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया था। अब गहलोत के बयान पर पायलट की प्रतिक्रिया आई है। सचिन पायलट ने कहा, हाँ मैं एक राजनेता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। मैं भी दुखी और आहत हुआ था। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। सार्वजनिक जीवन में मैं गरिमा बनाए रखता हूँ, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। मेरे हाथ में एक काम और मिशन है, हमें आगे बढ़ना है। सचिन पायलट का बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गलत बयानबाजी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है एक टीवी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट गद्दार हैं और वे कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। इसके बाद मामले ने जमकर तूल पकड़ा। वह इंटरव्यू में सचिन पायलट ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी। सचिन पायलट ने कहा, नेतृत्व का मुद्दा पार्टी पर निर्भर है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर हम अभी काम करते हैं तो हम सरकार बना सकते हैं। राजनीति बदल सकती है। एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल सकती है। कई राज्य में हमने दोहराया और कांग्रेस की सरकारें रिपीट हुई हैं। इससे पहले सोमवार को जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंची तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी सभी के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए। वहीं राहुल गांधी की कोशिश होगी कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट का मनमुटाव खत्म कराया जा सके, जिससे चुनाव में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।